अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग जो हैं अभी अभी उठे हस्बैंड के जाने के नाजायज फायदे उठा रही हूँ। बहुत उनके होने से ये होता है कि वो सुबह उठा देते हैं, उनको सुबह सुबह भूख लगती है, उनकी इनफ होती है 10 बजे, तो हमारी इनफ तो है ना 1 बजे तक भी चली जाती है। तो मैंने सोचा कि चले नींद पूरी उठा कर ही लेते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि बंदा जितने भी काम करता रहे ना, काम तो सारी ज़िंदगी नहीं खत्म होने वाले, तो इससे अच्छा नहीं है कि हम सो के उठें। तो बस जी अभी अभी उठे, नाश्ता बना रहे बच्चों के लिए, तगड़ा वाला नाश्ता। अच्छा कल मैं मार्केट गई हूँ ना, तो मैं ना ये वाली रोटी लेकर आ गई हूँ, और ये सुबह नाश्ते में ना हम लोग संडे वाले दिन बड़ा पसंद करते हैं खाना, तो कल जो है ना लेकर आ गई। और अभी जो है ना मुँह में पानी आ रहा है, भूख भी बहुत लग रही है, बहुत मज़ेदार होती है, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है ये रोटी रात की ना। अक्सर ऐसा हुआ करता था पहले जब हम किसी की शादी में जाया करते थे ना, तो वहाँ से रोटी जो है ना मैं लेकर आ जाती थी और सुबह तल के खाया करती थी। वो आदत जो है ना वहाँ से मेरी पड़ी हुई है। हम लोग जो है ना अक्सर ऐसे ही करते थे शादियों में, जैसे खाना बचता है मामू खाला चचा जिनकी भी शादी होती है ना, तो खाना बच जाते थे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं जो थी ना, या बिरयानी या ये रोटी, बस ये चीज़ें जो है ना अपने हिस्से में रख लेती थी पहले से। ये शीरमाल नहीं है, ये तंदूरी रोटी है, तंदूरी रोटी है। तो हमारा इज्जत भैया जो है ना कल से बहुत ज़्यादा सदमे में है बेचारा। उसको ये था कि बस, उसको ये नहीं था कि मुझे बाहर जाना है, उसको सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुझे मोबाइल दे के चली जाती, और मैं जो हूँ मोबाइल इसलिए नहीं देकर गई क्योंकि बैटरी लो हो जाती है। लाइट का इतना इशू था, कल भी सुबह हमारे घर से 9:30-8 बजे से लाइट गई हुई थी और दोपहर में 4 बजे आई थी, तो बड़ी मुश्किलों से मोबाइल भी चार्ज हो रहा है। तो मैं इनको यही बोल रही थी कि नहीं बेटा मोबाइल जो है ना मैं आपको नहीं दे रही। मैं झूठ कह रही है। क्या झूठ बोल रही हूँ मैं? आप बैटरी नहीं खत्म करते? आप हाँ झूठ कह रही हैं क्योंकि बोलती हैं इनका पढ़ना पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। झूठ कह रही है। तो सही है ना, पढ़ाई करनी चाहिए ना, झूठ बोल रही हूँ? हाँ पढ़ाई, मुझे ये बताओ पढ़ाई गलत बात है क्या? अच्छी बात है ना बेटा। और चार्जिंग जो खत्म करके देते हो वो आप, फिर आप क्या बोलते हो मुझे? आप बोलते हो कि मामा मैं क्या करूं, मामा इसने ले लिया फोन, अब मैं क्या कर सकता हूं मामा। फिर जब मेरी 20 पर आ जाती है चार्जिंग फिर देते हो मुझे, इसलिए मैंने आपको नहीं दिया था। नहीं मामा झूठ क्यों कह रही है? देखो मैं झूठ बोलती हूँ क्या? मामा झूठ बोलती है। जब 40 और 50 में आ जाती है ना तो मैं आपको दे देती हूं। नहीं कभी भी नहीं देते, बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते। आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। पूछ लेगा मैं पापा, पापा को कुछ नहीं, मैं पापा से कटी हूँ बस, पापा से बात ही नहीं करनी मुझे। चलें जी हमारी रोटियां तलने वाली है, फासिया हमारी जो है उसको मैंने चाय डालना सिखा दी है, अब वो जो है ना खुद ही कपों में चाय सर्व करती है आराम से। और बस जी नाश्ता करते हैं, बच्चों को लग रही है भूख, 12 बज चुके हैं, बल्कि ज़्यादा टाइम हो रहा है। क्या टाइम हो रहा है ये देखें, 12:30। और ये रहा हमारा शहजादा बेटा, नाराज़ होके लेटा हुआ है। नहीं इतना तुम नाराज़ होते हो, जब शादी होगी बेगम को नाराज़ होने का मौका दोगे? कभी भी नहीं, खुद ही होगे फिर। हाँ बताओ ना, नाराज़ हो गए फिर भी शादी के बाद भी नाराज़ हो गए? मैं अपनी बहू को बता दूंगी कि ये जो है ना ऐसा ही है, थोड़ा सा ऐसा ही है ना। चलो अब नाश्ता करने के लिए आ जाओ, चलो शाबाश। गिर जाएगी, नहीं करो सदीम, नहीं बेटा नहीं। तो बेटा आप वजन बढ़ाओ ना अपना। चलो चलो बैठो, चलो शाबाश नाश्ता करो। और फासिया आप सदीम को बेटा वो करके दे दो, जिस तरह छोटे छोटे निवाले बना के ना, ऐसे नहीं खा सकेगा। रुकैया आप कैसे करती हैं? छोटे छोटे बना के। अच्छा थोड़े बड़े बड़े बना के दो इसको। आप अपनी रीडिंग कॉपी लेकर आओ।
चलो दिमाग भी, चलो शाबाश मेरे बेटा। कौन सी कॉपी लेकर आओगे आज? कंप्यूटर जाओ लेकर। माँ बस एक चैप्टर लिया कर। क्यों? क्योंकि वन चैप्टर है पूरा। क्यों एक चैप्टर? क्यों मम्मी एक चैप्टर में इतने बड़े बड़े वाले भी हैं? ये बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता बेटा। माँ एक पेज की होते हैं। दो चैप्टर दे ली बस, फुल स्टॉप, बात खत्म। अदालत ने फैसला कर दिया। मामा ये एक चैप्टर नहीं। और अगर सदीम नहीं पढ़ेगा तो सदीम को कहाँ बंद करेंगे हम? अलमारी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको कहाँ बंद करूँ मैं? फ्रिज में बंद करूंगी, गर्मी बहुत हो रही है। करो बंद, गला जम रहा है मेरा। नाश्ता करने दिया करो बच्चों। चलें जी, हमारा नाश्ता हो चुका है, मैंने भी कर लिया है। और साथ साथ ये देखें जी, रात को मैंने क्या किया। रात को बैठ के मैंने ये सारे कपड़े इस्त्री किए हैं जो कि सिल के आए थे ना, मैंने वॉश किया। पहले वॉश करने के बाद इनको प्रेस किए, प्रेस करके अब जो है ना अलमारियों में जाएंगे और ये जो है ना प्रेस होने वाले कपड़े हैं। तो जनाब अब बस बच्चों को एक नज़र देख लूँ फिर मैं काम करूँ। हो रहा है काम? का पल्ले मामा का शहजादा। अच्छा पढ़ो पढ़ो, इस्लामियत है ना? बस सही है, गुड। और ये मेरा शहजादा का पल्ला है, एक पल्ला है भाई। अच्छा आप ऐसा करो सदीम, आपका वो जितना भी रिवीजन वाला है ना, सब रिवीजन कर ले, सही है? होमवर्क करने के बाद बेटा इसको बोलो कि वो जो जितना भी ओरल कॉपी है ना उसको कंप्लीट कर दे, ठीक है? फास्या आप भी अपना पढ़ाई करो, ठीक है? कुछ बोलना था? फिर शक्ल ऐसे देख रहे हो ना तजस्सुस वाली निगाह से, तो मुझे लगा कुछ बोलना है। चली जाऊं पढ़ो पढ़ो, चलो सही है। जो है ना मुझे हर वक्त यही बोलते रहते हैं कि मम्मा आप तसल्ली रखें, हम पढ़ लेंगे, आप चेक मत क्या करें हमें बार बार, हम पढ़ लेंगे। मगर बच्चों के साथ ये होता है कि नजर में रखना पड़ता है बच्चों को, और अगर नजर में नहीं रखेंगे तो फिर वही वाली बात है ना, बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। तो बहरहाल अभी जो है ना मैं किचन के काम वगैरह ये सारी चीज़ें समेटूंगी, घर के काम आज का दिन मैं कुछ खास नहीं करने वाली। और एक छोटा सा मैसेज था कि बच्चों से मोहब्बत क्या करें, बच्चे मासूम होते हैं, उनको उनके साथ बच्चा बन के जब आप लोग प्यार से मोहब्बत से रहते हैं ना, तो बच्चे भी जो है ना अपने माँ बाप के साथ अटैचमेंट होने लगती है। और आप यकीन माने कि चार बच्चों में से मेरे चारों बच्चे इतना कोई सवाल करते हैं और हर बच्चे का जवाब देना पड़ता है और देना भी चाहिए। अगर हम नहीं सुनेंगे पेरेंट्स तो और कौन सुनेगा उनकी। तो बच्चों के साथ जो है ना बच्चा बन के रहना भी पड़ता है और सख्ती भी करनी पड़ती है। मैं उनके साथ ऐसा समझें कि माँ भी बन के रहती हूँ, उनकी फ्रेंड भी बन के रहती हूँ और उनकी दुश्मन भी बन के रहती हूँ। कहने का मकसद है कि पढ़ाई में बहुत सख्ती करती हूँ, प्यार के वक्त बहुत प्यार करती हूँ, सारा दिन सबकी बातें सुनती रहती हूँ। भले मेरे सर में दर्द हो, भले मेरे टैबलेट्स खाने पड़े, कुछ भी हो, मगर मैं अपने बच्चों को पूरा टाइम देती हूँ। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और लाइटें करते हैं बंद।